सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी और आशुतोष राणा जैसे एक्टर को फिल्म सोनचिड़िया में एक साथ देखने के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। फिल्म के ट्रेलर में 1975 में हुई इमरजेंसी की झलक भी देखने को मिल रही है। चलिए फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चौबे से फिल्म के बारे में जानते हैं। ये फिल्म एक ऐसे इलाके में सेट है और ऐसे दौर में सेट है जहाँ पर बहुत ही अंदरूनी इलाका है, वहाँ पर रिसोर्सेज पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता था, तो वहाँ पर जो इमरजेंसी लगी थी देश में वो तो बड़े शहरों में लगी थी, वो सब लगी थी। ये यहाँ पर जो कहानी चल रही है यहाँ की एक अलग इंटरनल इमरजेंसी है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। तो एक इमरजेंसी जो पूरे देश में व्यापक है और एक यहाँ अपनी एक कहानी चल रही है जो कि इमरजेंसी के जैसी ही है। एक सेकंड, रुको रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, एक सेकंड। पहले जो डाकू की फिल्म बनती थी उसमें एंटरटेनमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और अभी जो फिल्में ऑडियंस जो लाइक करती है वो ज़्यादा न्यू स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसके ऊपर आपने कितना क्यों किया है? नहीं नहीं, सारी फिल्में इंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं और कोई कारण नहीं है फिल्म बनाने का। फिल्म इंटरटेनमेंट का ही माध्यम है और ये माध्यम में आप कहानी के जरिए इंटरटेन करते हैं लोगों का। आपका इंटरटेनमेंट से क्या एग्जैक्ट मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये इंटरटेनिंग फिल्म ही है और इसमें एक बहुत ही रोचक कहानी है, रोचक किरदार है और रोचक सिचुएशंस हैं, और जो कि आपको आप जाएंगे फिल्म देखने तो आपको बहुत इंटरटेनमेंट मिलेगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पहले इंटरटेनमेंट होता था अब नहीं होता, अगर अभी भी इंटरटेनमेंट ही है। आपको बता दें कि फिल्म में सुशांत सिंह के ऑपोजिट भूमि पेडनेकर भी हैं और फिल्म की कहानी डकैतों पर बेस्ड है। फिल्म 1 मार्च को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।